हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरवर इमाम है। मैं आपके सामने एक सीरीज चला रहा हूँ, 5 मिनट अर्थमेटिक। प्रतिदिन अपना 5 मिनट दीजिए और अर्थमेटिक सीखिए। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, डिजिट इंटरचेंज ऑफ ए नंबर। इसमें हम लोग कुछ बातें करेंगे, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, इसका थ्योरी सीखेंगे, इसका ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ। उस एग्जाम्पल के बाद आपको कुछ होमवर्क भी मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस करना है। ये पूरा कंसेप्ट है, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का ये वीडियो है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। और दोस्तों, इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा पे शेयर करें। चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। देखिए, क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई नंबर है, मान लिया एक्स, या मान लिया कुछ भी है, 32 है। इसमें कुछ जोड़ दिया जाता है तो ये पलट जाता है, ये 23 हो जाता है। ऐसा पलटने का मतलब नंबर इंटरचेंज होना, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कहेगा कि 48 है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए क्या जोड़ें कि ये 84 हो जाएगा, तो आप 84 में से 48 माइनस कर दोगे। मुझे पता है ऐसे 36 ऐड करने पर आ जाएगा। लेकिन सवाल में कुछ और पूछता है, क्या पूछता है वो मैं बता दूं। बोलेगा कोई एक्स नंबर है, इसमें आप मान लीजिए आपको बोल दिया 36 ऐड कर दीजिए, तो ये रिवर्स हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है, ये पूछेगा। तो मैं यहाँ पर जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जब भी जो नंबर होता है ये हमेशा 9 का मल्टीपल होता है, ध्यान रखिएगा, 9 का ये मल्टीपल होगा। मतलब क्या कि अगर 36 है तो आप उसको सबसे पहले 36 को 9 से डिवाइड कीजिए। 4 आया, ये 4 क्या आया, ये 4 आया डिफरेंस ऑफ डिजिट। मतलब जो डिजिट होगा इसके भी 4 का फर्क होगा। 4 का फर्क किसमें किसमें हो सकता है, देखिए 1 5 ये 4 का फर्क है, 2 6, 3 3 एंड 7, 4 एंड 8 एंड 5 एंड 9, ये सभी नंबर ऐसे हैं कि आप इसमें 36 ऐड करोगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये कंसेप्ट है। जैसे मैं फिर से आपको एक और नंबर दे रहा हूँ, मान लीजिए एक्स है, इसमें आपको बोला गया 45 ऐड करने पर यह रिवर्स हो गया, ऐसा बोला गया। तो आपको पहले डिफरेंस ऑफ डिजिट निकालना है और उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 45 बाई 9 करोगे, 5 डिफरेंस ऑफ डिजिट आ गया। तो अब आपको ये देखना है कि 5 डिफरेंस वाले कौन कौन होते हैं, 1 6, 2 7, 3 8, बस 3 8 एंड 4 9, ये 4 डिजिट है जिसके अंदर 5 का डिफरेंस है, ठीक है। अब कभी कभी माइनस करने पर भी आएगा, माइनस करने पर जब भी बोलेगा -45 करेंगे तब आएगा, तो ये 60 नहीं, इसको बड़ी संख्या मानेंगे, मतलब इसको रिवर्स करके बोलेंगे। मतलब 6 डिफरेंस तो 5 है लेकिन इसको बड़ा संख्या बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। मैंने ऑप्शंस जानबूझ के नहीं दिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन से बनाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऑप्शन से बनाइए, क्योंकि जब क्वेश्चन घुमाता है तो ऑप्शन काम नहीं करता है। सवाल है क्या, 2 डिजिट का नंबर है, 3 गुना है सम ऑफ डिजिट की, चलिए इसको बाद में देखेंगे। 45 ऐड करने पर डिजिट रिवर्स हो जाता है, क्या ऐड करने पर, 45। तो पहले हम लोग डिफरेंस ऑफ डिजिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ डिजिट निकालेंगे। 45 बाई 9 मतलब 5, 5 आ गया। अब आप देखोगे 5 किस में डिफरेंस होता है, तो 1 6 में, 2 7 में, 3 8 में और 4 में, सब में देखो 5 का डिफरेंस है कि नहीं है। अब हम क्वेश्चन में जाके देखेंगे क्या बोलता है, ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट। अपना सम, सबका सम कीजिए, ये 7, ये 9, ये 11 और ये 13, और सम का तिगुना है, देखिएगा ये सिर्फ यही तिगुना है, सो आंसर विल बी 27। तो ये जो मैंने टेक्निक बताया 9 से डिवाइड करने वाला, इससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, और डिफरेंस से आप ऑप्शन में भी देखिएगा तुरंत आप डिफरेंस जो 5 का होगा वो आप मार सकते हो, ये चीज करना है आपको। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। गुना करने पर 8 आता है, 2 डिजिट गुना करने पर, और 18 जोड़ने पर रिवर्स हो जाता है। आप बताओ तो किसको किसको गुना करने पर 8 आएगा, इसको, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं है। और देखिएगा 18, 18 का मतलब 9 से भाग दोगे तो 2, ये डिफरेंस आना चाहिए। अब 18 जो है 9 से भाग दोगे तो ये 2 डिफरेंस, सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलत लिख दिया, 2 4, ठीक है, ये 2 4। तो आप देखोगे डिफरेंस 2 का कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसलिए आंसर जो होगा वो 24 होगा। गाइज
अब आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन आंसर मैंने दे रखा है, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देन तीसरा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें थ्री डिजिट है, आप ट्राई ज़रूर करेंगे। और ये फिफ्थ, अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप नोट कर लीजिए, ग्रुप का नाम ही है आस्क योर डाउट्स, आस्क योर डाउट्स। और अगर आपको कुछ मुझे पर्सनली संदेश भेजना है, कुछ भी मेरे को भेजना चाहते हो, तो ये मेरा पर्सनल आईडी है। तो ज़रूर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और ध्यान दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।